नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द करने के बाद छात्रों का सरकार पर गुस्सा फूटा है। छात्रों का कहना था कि सरकार ऐसे नियम बनाकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने वायदा किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन महज 6 महीने के अंतराल में ही अपने किए वायदों से मुकर गए। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को अपनी सरकार बचानी है, इसलिए वही सब नियम लागू किए जाते हैं जो आगे आने वाले समय में जाकर कैंसिल हो जाएं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब उनका आक्रोश सड़कों पर दिखा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि अपने आप को बचाने के लिए ऐसे नियम जानबूझकर सरकार बनाती है ताकि आने वाले दिनों में वो रद्द हो जाए या सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो या फिर मुद्दा जीवंत रहे। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द करने के बाद छात्र सड़क पर उतरे। उन्होंने चेतावनी दी है, एक तो आक्रोश उनके साथ है कि नियुक्तियां कैंसिल हुई नियोजन नीति कैंसिल होने के बाद, उसके बाद दूसरा ये कि अगर इस मामले को लेकर सरकार आगे जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो छात्र अब सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे, आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वैसे भी झारखंड में लगातार, चाहे वो पंचायत सचिव हो, जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, लगातार अभ्यर्थी सड़क पर रहे, छात्र सड़क पर रहे और लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार को घेरते रहे, क्योंकि सरकार में आने से पहले यही वायदा था जेएमएम का कि वो बेरोजगारी दूर करेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो विसंगतियां हैं जेपीएससी हो या जेएसएससी में, वो तमाम चीजें दूर होंगी। लेकिन वही मसला एक बार फिर से जब छात्रों को झेलना पड़ रहा है तो उनका आक्रोश सड़क पर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी शहनवाज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शहनवाज, लगातार छात्रों का मुद्दा बरकरार है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सवाल हैं, वो अभी भी बरकरार नजर आ रहे हैं। हालांकि नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद काफी खुशी उनमें है, लेकिन दूसरी तरफ मायूसी भी कि नियुक्तियां रद्द हो रही हैं। और ये भी अब उन्होंने कहा है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। आने वाले दिनों में क्या लगता है, ये सरकार के लिए गले की फांस बन सकती है? बिल्कुल, देखिए, अगर छात्र अगर जाग जाएंगे, अगर छात्र ने यह तय कर लिया है कि अगर वो सड़कों पर उतर करके सरकार के नीति नियम का विरोध करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये आंदोलन व्यापक रूप से आने वाले दिनों में बढ़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने जेपीएससी के आंदोलन को देखा है, किस तरह से रांची से वो आंदोलन शुरू हुआ, तमाम ज़िलों में पहुँच चुका था और आखिरकार वो रंग भी लाता है। और कई बार ये होता है कि जेपीएससी के द्वारा वो जो रिज़ल्ट है उसको रिवाइज रिज़ल्ट निकालना पड़ता है। जेपीएससी को अब छोड़ दें तो जेएसएससी का चूंकि ये इशू है, तो ये सारा जो ठीक रहा है, सारा जो गुस्सा है, वो तमाम छात्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। सरकार पर इस नीति नियम को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार को डे वन से पता था कि आप अगर दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वो कानून सम्मत नहीं है और कोर्ट में जाएगा तो ये मामला चैलेंज होगा, और वही चीज़ हुआ भी है। अब छात्रों का सीधा एक ही सवाल है, वो सिर्फ ये जानते हैं कि वो दिन रात मेहनत करके एक अदद नौकरी चाहते हैं ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अब अगर वो एक अदद नौकरी नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करें? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार की तरफ से जो बयान और खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। बेहद आप लड़ सकते हैं, सरकार के पास अधिकार है कि वो लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन इस बीच में छात्रों का क्या होगा? क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो एक दिन में तो वो मामला हल होने वाला है ही नहीं। आपने देखा होगा सोनी कुमारी का जो मामला था वो करीबन 2016 में शुरू हुआ था और उसका पटाक्षेप 2022 में होता है। तो क्या अगर 5-6 साल फिर इसी तरह अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी तो जिन छात्रों का एज अगर जाता है, आयु सीमा बाहर निकल जाती है, तो उनका तो मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर तो खराब हो गया है। तो ऐसे बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में से छात्र हैं जो इस सवाल को लेकर के आज सड़कों पर उतरे हैं। और छात्रों का गुस्सा सिर्फ मुख्यमंत्री से नहीं है बल्कि पूरी की पूरी सरकार से है, और ये गुस्सा और ये नाराजगी सरकार को समझनी होगी, क्योंकि 2 सालों के बाद सरकार को फिर से विधानसभा चुनाव फेस करना है। अगर छात्र कहीं कहीं नाराज रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके परिवार वाले भी नाराज रहेंगे, मोहल्ला टोले वाले भी नाराज रहेंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं देखना चाहता कि उसका बच्चा, उसके इलाके का बच्चा पढ़ लिख ले और एक अदद नौकरी के लिए वो भटकता रहे। इसका इंप्रेशन बहुत खराब जाता है और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए रेटिंग को गिराने वाला होता है।
अब छात्र ये कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती है तो वो इस आंदोलन को और व्यापक बनाएंगे, यानी वो नहीं चाहते हैं कि इसको कानूनी लड़ाई से हल किया जाए, वो ये चाहते हैं कि जिन प्रावधानों को लेकर के ये मामला कोर्ट में जाकर गिर गया है, यानी एक तो ये है कि जो अनारक्षित यानी जो सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं जो 10th और 12th झारखंड से नहीं किए हैं उनको आपने एग्जामिनेशन में बैठने से मना किया है उसको आप अलाउ कीजिए, दूसरा ये कि जो मुख्य पेपर है उससे आप हिंदी को हटा करके उर्दू ले आए हैं उसको भी करेक्शन कीजिए, इन दो बिंदुओं को हटा करके आप नियोजन नीति को लेकर आगे बढ़िए, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि इन्हीं प्रावधानों के साथ हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन शहनवाज एक और सवाल है ना, जब बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता में काबिज हुई है तो आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए जा रहे हैं जो कोर्ट में चुनौती के बाद उसे खत्म करना पड़े और फिर एक लेंदी प्रोसेस हो, फिर से नई नियमावली, फिर से नया रिक्रूटमेंट, फिर से वैकेंसी निकालना, आखिर क्या इसके पीछे वजह है? क्या जो नियम बना रहे हैं वो तर्कसंगत नियम नहीं बनाए जा रहे हैं? क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सही तरीके से इस पर होमवर्क नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ऐसे ही एक नियमावली बना दी जा रही है कि थोड़ी देर के लिए मामला शांत रहे? इस बात में कोई शक नहीं है कि झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से छात्रों ने जो बातें कही हैं उसमें मुख्यमंत्री का नाम बहुत कम आया लेकिन ब्यूरोक्रेसी का नाम रिपीट करके बार बार लाया गया और ये बताया गया कि ये कौन से IAS अधिकारी हैं, कौन से बड़े पदाधिकारी हैं जिनके सलाह मशवरे के साथ, जिनके एडवाइस से मुख्यमंत्री ऐसा कदम उठाते हैं, सरकार ऐसा कदम उठाते हैं जो कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है, कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगता है और जाके कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में जाके वो मामला गिर जाता है। लिहाजा ये सवाल नौकरशाहों पर उठता है कि जब वो कलम चलाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या वो झारखंड के जल जंगल जमीन को नहीं समझते हैं, झारखंड की मनोदशा को नहीं समझते हैं, झारखंड के आदिवासियों को मूलवासियों को नहीं समझते हैं, झारखंड में बसने वाले बाशिंदों को नहीं समझते हैं, आखिर वो समझते क्या है? ये सवाल छात्र पूछ रहे हैं और छात्रों को उनका जवाब नहीं मिल रहा है, ना तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, जो ब्यूरोक्रेसी तो जवाब देती भी नहीं है। लेकिन सरकार लीगल एडवाइस भी जब ली जाती होगी शहनवाज कोई भी नियम बनाने से पहले, तो क्या ये समझ में लीगल एक्सपर्ट्स को नहीं आता है कि ये मामला कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? सरकार के पास तो एक बिल्कुल एक अलग ही विंग है, महाधिवक्ता उसका नेतृत्व करते हैं, महाधिवक्ता के पास तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, तमाम चीज़ों का राय मशवरा देने का हक और अधिकार होता है। निश्चित तौर पर अगर देखिए सबसे बड़ी और खास बात यह है, अगर राजनीतिक फायदे और नुकसान को लेकर सरकार किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो फिर वहाँ पर कानून उनके लिए मायने नहीं रखता है, उनके लिए मायने ये रखता है कि उनके उस इनिशिएटिव से, उस स्टेप से उनके वोटर्स में, उनके मतदाताओं में, उनके इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके उस राजनीतिक क्षेत्र में क्या मैसेज जाता है, उस मैसेज को वो कन्वे करना चाहते हैं, बाद में उसका नतीजा, बाद में उसका आउटकम चाहे जो भी हो। छात्र यही कह रहे हैं ना कि 3 साल तक तो कुछ हुआ नहीं, अब 2 साल सरकार के पास बचे हुए हैं तो ऐसे नीति नियम बनाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं है, तो सरकार की नीयत पर तो साफ साफ सवाल उठते हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसे कलम चलाए जाते हैं, ऐसे प्रोविजन और प्रावधान किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इलॉजिकल होते हैं। कुछ छात्रों ने यह कहा कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है बल्कि जो राजनीतिक तौर पर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, चूंकि राजनीतिक तौर पर यह दबाव डाला जाता है ब्यूरोक्रेसी पर कि आप इस तरह के नियम नीति बनाइए ताकि हम आगे लेकर इसको बढ़ सके। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है कि पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार हो, लेकिन इसका सबसे खामियाजा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठा रहा है तो झारखंड के बेरोजगार नौजवान उठा रहे हैं और जिनका गुस्सा उठा है। अनऑफिशियल तौर पर यह जानकारी अभी आ रही है कि जो सोमवार के दिन है, 19 तारीख का दिन है, उस दिन रांची बंद बुलाने का कॉल किया गया है, हालांकि आधिकारिक इसकी कंफर्मेशन नहीं है, कुछ नेताओं ने ऐसा कहा है, लेकिन एक इसे बहुत बड़े सीरियस तौर पर अभी नहीं लिया गया है क्योंकि इसको बहुत आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन छात्रों ने यह जरूर कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ रांची में नहीं रहेगा, इससे तमाम जो छात्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ये कोई भाषा का आंदोलन नहीं है, ये कोई JPSC का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये नियोजन नीति का विषय है, नियोजन नीति में तमाम झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को कहीं कहीं प्रभावित करेगा, उनके परिवारों को प्रभावित करेगा, लिहाजा तमाम झारखंड में इसका आंदोलन का असर दिखेगा और निश्चित मानिए अगर ये आंदोलन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। अशनवाज इससे अलग एक और बात, जिस तरह से नियोजन नीति का हश्र हुआ है, 1932 खतियान भी जल्दबाजी में लाया गया है और जाहिर तौर पर उसमें भी कई टेक्निकल खामियां हैं, तो आगे भी उसका हश्र कुछ इसी तरह देख रहे हैं आप?
आप अगर बीजेपी की या अन्य विपक्षी पार्टियों की बात को दरकिनार भी कर दें, वो ये कहते हैं ये सिर्फ एक आई वाश है, एक लॉलीपॉप है। तो इस जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको स्थानीय नीति बनानी थी तो आप इसको केंद्र के पाले में नहीं डालना चाहिए था। आपके पास ये हक और अधिकार है कि अपने लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाएं, लेकिन सरकार का ये पक्ष है कि हम इसे फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं कि ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, दशकों में इसे कोई चैलेंज नहीं कर सके। इस वजह से हम चाहते हैं कि केंद्र के माध्यम से ये बात कहीं ना कहीं जमीन पर उतरे। लेकिन ये कहीं ना कहीं फेंकाफेंकी तो जरूर चल रही है। अगर आप 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने के फेवर में हैं तो आपको अपने हिस्से का पूरा मुकम्मल काम करना चाहिए, ना कि एक कदम उठा करके दूसरे कदम के लिए आपको सेंट्रल पर निर्भर होना चाहिए। क्योंकि 19 तारीख से, यानी सोमवार के दिन से, आपका झारखंड का विधानसभा सत्र है, शीतकालीन सत्र है। आप यकीन जानिएगा ये सत्र जो है बेहद हंगामेदार होने जा रहा है, न सिर्फ नियोजन नीति को लेकर के बल्कि स्थानीयता के विषय को लेकर के, बेरोजगारी के विषय को लेकर के, ईडी के रेट को लेकर, सीबीआई आईटी के रेट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सत्र है कहीं ना कहीं पूरे हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच में जिस तरह से नियोजन नीति रद्द हुई है, जाहिर से बात है ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक के तौर पर है। चलिए, तो आने वाले दिनों में ये मामला अभी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं। एक और बात शहनवाज, शीतकालीन सत्र की बात आपने की है, और वाकई ये एक अच्छा मुद्दा जिस पर हंगामे के आसार भी बन सकते हैं शीत सत्र में, ये एक विपक्ष को अच्छा मुद्दा बन गया है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, आज खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने आज प्रेस वार्ता करके इस मुद्दे को उठाया है। और कल जैसे ही ये खबर आई करीबन 3:30 बजे के करीब, उसके थोड़ी ही देर बाद बीजेपी की तरफ से दीपक प्रकाश के नाम पर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके नाम पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और ये बताया जाता है कि वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सरकार की अकर्मण्यता है, सरकार का फेलियर है कि सरकार ऐसी नीति बनाई जो कोर्ट में नहीं टिका है। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथ लिया है। लेकिन आज जो छात्रों से बात हो रही थी, उनकी नाराजगी सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं है, उनकी नाराजगी विपक्ष से भी है, बीजेपी से है, क्योंकि लंबे समय तक बीजेपी झारखंड में सत्तासीन रही है। और वो रघुवर दास के शासनकाल को याद करते हैं, क्योंकि बहुत जमाना उनका शासनकाल का खत पुराना नहीं हुआ है। जिस तरह से उन्होंने 13 और 11 जिलों में झारखंड के जिलों को विभक्त किया, बाद में सोनी कुमारी इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, और वहां से पूरी जो नीति नियम है वो असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाता है। उसी रास्ते पर हेमंत सोरेन बढ़े है, और कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही छात्रों के निशाने पर है। जी चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिर आने वाला ये सत्र, ये शीतकालीन मौसम सरकार के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो दिक्कतें अब युवाओं को हो रही हैं, हालांकि इसकी खुशी है, लेकिन नियोजन नीति का जो साइड इफेक्ट है उसके रद्द होने का, नियुक्तियां उनकी प्रभावित हो रही हैं, वो रद्द हो रही हैं। इसके अलावा अगर इन्होंने चेतावनी भी दी है कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वो सड़क पर उतरेंगे।